नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए दो सॉलिड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लेके आया हूं, तो बने रहिए एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को मैंने क्यों चूज किया, अभी ये थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन है, सेंटिमेंट ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि रेवेन्यू को लेके थोड़े से चैलेंजेस हैं नियर टर्म में। निफ्टी आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। एक तो FY25 की विजिबिलिटी काफी अच्छी नजर आ रही है, ग्रोथ की रिकॉर्ड डील विंस हुई हैं, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, एट्रिशन लगातार कम हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है कंपनीज के लिए, अब थोड़ा स्टेबल हो गया है वो। नियर टर्म में थोड़ी और पेन हो सकती है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में क्योंकि सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है, बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो टेक्नोलॉजी की जरूरत रहनी ही वाली है और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बहुत तेजी से बदलाव लेके आ रही है। तो जो लार्ज कैप आईटी के रिजल्ट्स देखें तो उसमें रेवेन्यू गाइडेंस जो रही है कंपनी की वो लगातार कम हो रही है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो हमने उन स्टॉक्स को कंसिडर नहीं किया है। हमने उन्हीं को कंसिडर किया है जहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही शानदार हैं, हाई ग्रोथ एरियाज में ये कंपनीज काम करती हैं और अभी भी स्लो डाउन नहीं चल रहा है इनमें, और इमर्जिंग एरियाज इमर्जिंग ट्रेंड्स में काम करती हैं। तो इन नीश स्पेशलाइज कंपनीज की कुछ खासियत हैं, एक तो इनमें छोटी टीम्स होती हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, हायरार्की थोड़ी कम होती है, जैसे टीम मेंबर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरह की हायरार्की थोड़ी सी कम रहती है। इनका मोर फोकस रहता है टेक्नोलॉजी और डोमेन स्किल्स में रादर देन मैनेजरियल स्किल्स। तो अगर आप सिर्फ एक मैनेजर हैं, सिर्फ आपको सिर्फ मैनेजमेंट आता है तो आपको इंफोसिस टीसीएस कंपनीज में इजीली जॉब मिल जाएगी, लेकिन इन स्पेशलाइज कंपनीज में डोमेन एक्सपर्टीज को और टेक्निकल एक्सपर्टीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रिक्रूटमेंट के टाइम पे, और ये कस्टमाइज डिजाइन सॉल्यूशंस, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में काम करते हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो है टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके, इमर्जिंग ट्रेंड्स पे काम करती है, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, वर्चुअल रियलिटी, ये इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, हाई ग्रोथ एरियाज हैं और इसमें बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, तो इसलिए हमने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है। इस कंपनी का एक बार ज्योग्राफिक मिक्स देख लें तो 40% के करीब यूरोप से आता है, लगभग 40% ही अमेरिका से है, 15% के आसपास इंडिया से है और अबाउट 5% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है। टॉप 5 क्लाइंट्स का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 44% जो बिजनेस है वो टॉप 5 क्लाइंट से आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क थोड़ा सा बना हुआ है इस कंपनी में कि अगर कुछ टॉप क्लाइंट से बिजनेस आना बंद हो जाता है तो इस कंपनी को उससे काफी प्रभाव पड़ सकता है। टॉप 10 का अगर देखें तो वो नंबर 53.2% का है, वो इतना बुरा नहीं लग रहा। हेडकाउंट देखें तो अगर आप लार्ज कैप आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स को एनालाइज करें तो मोस्ट कंपनीज में ऐसा रहा है कि हेडकाउंट या तो इस क्वार्टर में टोटल डिक्रीज हुआ है, मतलब जो लोग छोड़ के गए हैं उनका 1:1 रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, फ्रेशर हायरिंग को कम कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है, कुछ डिपार्टमेंट्स में हायरिंग फ्रीज है, लेकिन इस कंपनी ने अगर आप देखें तो Q2 24 में भी हायरिंग करी है, ओवरऑल हेडकाउंट बढ़ा है। रेवेन्यू अगर देखें ऑन साइट ऑफशोर मिक्स का तो लगभग 25% ऑन साइट है और 75% ऑफशोर है, जो कि बहुत ही स्टेबल मिक्स है, बहुत अच्छा मिक्स है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप देखें तो लगभग 50% फिक्स प्राइस है और 50% टाइम एंड मटेरियल है। टाइम एंड मटेरियल का मतलब ये हुआ कि आपने जो रिसोर्स को डिप्लॉय किया है, जो उसमें एक डेवलपर काम कर रहा है, उसकी बिलिंग, उसका जो टाइम जा रहा है, जो एफर्ट जा रहा है, उसके हिसाब से आवरली बिलिंग क्लाइंट को की जाती है। फिक्स कॉस्ट में एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेट होता है कि इतना एस्टिमेट है हमारा, इतना हम चार्ज करेंगे, तो उस फिक्स कॉस्ट में क्या होता है कि अगर वो डिले होता है, अगर उसमें एफर्ट ओवररन होता है तो वो कॉस्ट कंपनी के लिए एडिशनल कॉस्ट बन जाती है,
टाइम एंड मटेरियल जनरली कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि अगर उसमें ज्यादा टाइम लगता है तो उस केस में भी कंपनी को लगातार उस रिसोर्स से या उस डेवलपर से जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उससे रेवेन्यू आता ही रहता है। तो टाटा एलेक्सी लार्ज कैप आईटी कंपनी जैसे इंफोसिस टीसीएस से काफी अलग है, ये ईआरएनडी कंपनीज की कैटेगरी में आती है। इंडस्ट्री फोकस देखें तो टॉप इंडस्ट्रीज जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं उसमें फोकस है, ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, कम्युनिकेशंस, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, अप्लायंसेज एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल, सेमीकंडक्टर। प्रोडक्ट्स देखें तो एआई, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, ऑटोमोटिव एंड हेल्थ केयर। सर्विसेज ये डिजाइन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और आरएनडी, इससे रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड। टाटा एलेक्सी ने Q2 के नतीजे जो पेश करे हैं वो शानदार रहे हैं। उनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 3.7% ग्रो हुआ है Q-on-Q, 15.5% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। एबिटा मार्जिन 29.9% पे है जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। इंडस्ट्रियल डिजाइन डिवीजन फर्स्ट टाइम एवर 100 करोड़ को क्रॉस कर गया है। जो ग्रोथ रही है वो 35.4% की रही है। टाटा एलेक्सी ने 585 एम्प्लॉयज को ऐड किया है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया तो मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज ने हेड काउंट को इस क्वार्टर में डिक्रीज किया है, टाटा एलेक्सी ने 585 एम्प्लॉयज को ऐड किया। Q2 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो Q-on-Q ग्रोथ रही है 3.7% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है 15.5% की। एबिटा मार्जिन देखें तो Q-on-Q मार्जिन इंक्रीज हुए हैं 31 बेसिस पॉइंट से, ईयर ऑन ईयर मार्जिन इंक्रीज हुए हैं 21 बेसिस पॉइंट से। ईपीएस का Q-on-Q ग्रोथ देखें तो 5.9% का है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 14.8% का है, और टाटा एलेक्सी ने 585 लोगों को ऐड किया है। सेगमेंट वाइज देखें तो ट्रांसपोर्टेशन की ग्रोथ रही है 7.1% Q-on-Q और 26.1% ईयर ऑन ईयर। हेल्थ केयर की ग्रोथ देखें तो 3.6% की ग्रोथ है Q-on-Q और 8.5% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। मीडिया एंड कम्युनिकेशन देखें तो ये ग्रो हुआ है 2.8% ईयर ऑन ईयर। बाकी के हाइजीन नंबर्स देखें तो सब कुछ बहुत ही शानदार है, एक्सेप्ट पी, जो पी ही है वो 60 के आसपास तक पहुंच गया है, तो वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। बाकी सारे नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नंबर्स। प्रॉफिट एंड लॉस भी देखें तो सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, मार्जिन्स काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं और काफी स्टेबल हैं 30% के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है। तो अगर कंपाउंडेड नंबर्स देखें, अगर आप रेवेन्यू के देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ के देखते हैं, इवन स्टॉक प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो सारे नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। एक ही एस्पेक्ट में गड़बड़ है, वो है वैल्यूएशंस, उस पे हम आएंगे। दूसरा स्टॉक जो है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ये भी कोई ट्रेडिशनल आईटी कंपनी नहीं है, ये एक ईवी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर हम इंडस्ट्री और मार्केट की बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है वर्ल्ड का, चाइना भी बहुत तेजी से ईवी को एडॉप्ट कर रहा है, तो ये भी इस कंपनी के लिए एक ग्रोथ मार्केट है। इसके अलावा बाकी देशों से भी इस कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो ट्रेंड चल रहा है वो एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कार्स में। पहले जो कार्स का डिजाइन होता था तो पहले फोकस बॉडी के डिजाइन पे रहता था, और उसके बाद कुछ सेमीकंडक्टर की सहायता से आपको पता चल जाता था कितना फ्यूल बाकी है और मेरी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। लेकिन अगर आप अभी का ट्रेंड देखें तो पूरा फोकस कंप्यूटर डिजाइन पे है, क्योंकि लार्जली गाड़ी कंप्यूटर को ही चलानी है, ड्राइवर की इंटरवेंशन बिल्कुल मिनिमल होनी चाहिए, इस तरह के गोल से ये डिजाइन होता है। और उसके बाद बॉडी का डिजाइन होता है, और बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो इस कंप्यूटर के इशारों को समझ पाए। तो इस तरह का पैराडाइम शिफ्ट अभी कार के डिजाइन में चल रहा है। फोकस ईवी पे है। पहले इंडिया में ये प्रॉब्लम होती थी कि यार मैं चार्ज कहाँ करूंगा, बट ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा पावर जैसी कंपनीज बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। अब आपको हर मेजर सिटी में कंफर्टेबली ईवी स्टेशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, और प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है।
मतलब जैसे पहले लोग हैचबैक जो ज्यादा प्रेफर करते थे, अभी ज्यादा प्रेफरेंस हो रही है एसयूवीज में, लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लग्जरी कार्स, और हर ओईएम को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना ही पड़ रहा है, उनके पास चॉइस ही नहीं है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है R&D में और टेक्नोलॉजी। तो इस कंपनी के पास सारी मेजर OEMs के साथ पार्टनरशिप। अगर हम नंबर्स की बात करें तो बहुत ही शानदार हैं। आप सेल्स का नंबर देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ का नंबर देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ का देख लीजिए, बहुत ही शानदार ग्रोथ है। अगर हम समरी में देखें ग्रोथ को, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के नंबर्स बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स भी बहुत शानदार नजर आ रहे हैं, ROE के नंबर्स भी शानदार। तो सारे फैक्टर्स, सारे नंबर्स अगर देखें तो बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं, एक्सेप्ट एक नंबर जो कि है PE का, जो बहुत ही ज्यादा है इस वक्त, वैल्यूएशन थोड़ी स्टीप है। इससे पहले मेरे व्यू पे आए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और YouTube इस तरह के यूजफुल वीडियोस को और लोगों तक भी पहुंचाता है, और आपको भी इसी तरह के यूजफुल वीडियोस YouTube और दिखाता है। तो दोनों स्टॉक्स जो हमने डिस्कस करे उनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं बहुत सालों से, आने वाले समय की विजिबिलिटी ग्रोथ की बहुत ही अच्छी है, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, SIP के लिए काफी अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं, और डिक्लाइंस पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। हमने जो भी डिस्कस किया सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए था, आप कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा और अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा। आपका क्या व्यू है कमेंट्स में लिख के बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।